बीती रात कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने रूबी राठी जो कि जिला पार्षद है हुड्डा के एंट्री यानी कि एंट्रेंस पर एक आवास बोर्ड लगा हुआ था, आवास होल्डिंग कहिएगा कि विधिवत परमिशन से ये होल्डिंग्स लगाया गया था, किन्हीं शरारती तत्वों ने किसी तेज यानी कि कुल्हाड़ी या कोई ऐसे हथियार से उसको काट दिया है जैसे कि हम दिखा रहे हैं इस पे, और उस पर मनोज राठी प्रतिनिधि भी लिखा हुआ था। यह किसी शरारती तत्व द्वारा की गई एक शरारत है या बदमाशी है, तो इसमें मनोज राठी जी का कहना है कि ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ कि ऐसा आवास बोर्ड तोड़ना और किसी जिला पार्षद का ये बोर्ड काट देना। ये कितने साल से लगा हुआ था? 4 साल से लगा हुआ था जी। हाँ। और 80 के अंदर खाली मेरा ही आवास बोर्ड को तोड़ा गया है। हाँ हाँ। यहाँ यही बोर्ड तोड़ा गया है जी। हाँ हाँ। और किसी का बोर्ड नहीं तोड़ा है। हाँ। भाई के कारण इसके पीछे है? भाई क्यों तोड़ा है यो? भाई के साजिश इसके पीछे है? देखो जी मैं तो साफ बताऊँ, यो रात को जो है कोई आदमी आके इसको तोड़ के गए हैं। हो सकता है जी मेरे से किसी ने रंजिश हो, किसी ने दवेश हो, उड्डा के कोई आदमी तो ये काम करे कोने जी, पढ़े लिखे कोई आदमी वो काम करे नहीं। हो सकता है भाई कोई बड़ी साजिश हो, तो मैं तो नहीं कहूँगा जी। उड्डा से अभिप्राय क्या है आपका? देखो उड्डा में मकान है जी हमारा। अच्छा, तो उड्डा ये हाँ, उड्डा सेक्टर में मकान है और मकान का या सरकारी बोर्ड है जी ये। अच्छा, सरकार द्वारा लगाया हुआ बोर्ड है और इसको तोड़ा है, तो मेरे को ये संकेत देना चाहते हैं कुछ लोग भाई, जिस प्रकार बोर्ड तोड़ा है उसी प्रकार आपको भी तोड़ा जा सकता है भविष्य में, या तो आप चुप हो जाओ। और लेकिन मैं चुप नहीं हूँगा जी, जो लोग हैं उनकी पोल खोलने का मेरा काम है, और मैं विपक्ष का नेता हूं जी, विपक्ष की जिम्मेवारी जो है वो मेरे ऊपर है, विपक्ष का फर्ज निभाना मेरा काम है जी। कोई भी आदमी सही काम करेगा तो हम उसको अच्छा बताएंगे, जो आदमी गलत काम करेगा जी उसको गलत बताएंगे। आप किसी पे शक जाहिर कर रहे हैं इसमें? देखो जी शक तो मैंने किसी पे नहीं है, देखो ये तो जिसने भी करा है संकेत दिया है मेरे को, और शक तो देखो इब हम किसी का नाम क्यों लेवा जी, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी भी किसने तोड़ा है, ये ऐसे टूटा कोनी कुहाड़ियों से काटा गया इस बोर्ड को और इसको उठा के भी लेके गए हैं तो। और 2-4-5 दिन से मेरा आगे पास भी कुछ संदिग्ध लोग या ओपरे ओपरे आदमी हंडे हैं, तो मेरा इस बात का भी डाउट है कहीं मेरा चोट ना मार दें। आपने इस बात की शिकायत दे दी? हाँ जी, मेरे पास मैंने लिख रखी शिकायत है पुलिस वाले को, मैंने मौका बुला लिया, मौका भी दिखा लिया। आपने अपनी सुरक्षा के लिए भी गुहार लगाई है क्या? ये तो पुलिस की जिम्मेवारी है जी। नहीं, आप बता रहे हैं कि आपके पीछे 3-4 आदमी घूम रहे हैं। देखो जी ये तो प्रशासन ने देखना है भाई, मारे को सुरक्षा देनी है नहीं देनी है, के नहीं करना के नहीं करना है तो उनका काम है जी। मेरे तो देखो जनता से अपील है भाई, मैंने जनता की हक्की आवाज़ उठाई है और जनता की आवाज़ उठाते उठाते आज मेरा बोर्ड तोड़ा है, तो कल वो लोग मेरे घर में घुस के मेरे घर को भी तोड़ देंगे, वे मन्ना भी मार देंगे जी। ये तो साफ दिखाई देने लग रहा है ना जी, ये बोर्ड को ऐसे तो तोड़ा नहीं, ये तो कोनो को किसी न किसी की तो चाल है इसके में, कोनो को तो मामला है जी, साफ बात है जी, साफ दिख है जी। इब हमारे तो जनता से अपील है भाई, जनता जनता फैसला कर जी हमारे खतर तो, और जनता जो हमारी ड्यूटी लगाओगे हम करने लग रहे हैं, किसी तरीके तो हम तो पीछे हटा कोने जी। अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़ा ना मालूम हुआ है, इसका जो भी ये कार्रवाई की गई है इसके खिलाफ जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। किसका बोर्ड था जी? ये अपनी मनोज राठी के बोर्ड था जी, ये रूबी राठी जो जिला हाँ जी हाँ जी जिला पार्षद का बोर्ड लगा हुआ था, मनोज राठी इसके प्रतिनिधि हैं। हाँ जी हाँ जी, अगर ये किसी शरारती तत्व ने थोड़ा पता लगा करके नियमानुसार कार्रवाई मतलब लाई। शिकायत आ गई आपके पास? हाँ, शिकायत अभी देंगे जी, हमारे पास आ जाएगी शिकायत।